में, उस कड़ी को हम आगे की ओर बढ़ाएं। नदी तंत्र को अब तक ज्योग्राफी में हम सभी क्लासेस के लिए एक साथ अब तक चल रहे थे, आवश्यकता नहीं थी। रेलवे बैच में जो पढ़ रहे थे, जो बिहार एसएससी के लिए है, उन लोग को इतने लेवल की जरूरत नहीं थी। फिर भी हमने प्रयास किया कि ज्योग्राफी का आत्मा मानचित्र में है, और मानचित्रों के द्वारा सबका एक बेस क्लियर हो जाए, फिर क्लास का लेवल अलग-अलग निर्धारित हो। तो यह वीडियो यहाँ जो अभी हम बना रहे हैं, ये अंतिम बेसिक वीडियो है। इसके बाद जो रेलवे के बच्चे हैं उनके कंटेंट अलग होंगे, जहां रेलवे के जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके लेवल का होगा, बिहार एसएससी मेंस वाले बच्चे का जो है लगभग उसी टाइप उतना ही लेवल का होगा, लेकिन जो बीपीएससी में है, दरोगा मेंस में है, उनके क्लास का लेवल अलग हो, और यहाँ से वीडियो कंटेंट आपके चेंज हो जाएगा। तो अंतिम बेसिक लेवल को हम आगे की ओर बढ़ाएं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ चुके थे। सिंधु के बाद सभी लड़के को याद होगा गंगा सिस्टम भी हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, और गंगा के बाद हम लोग पिछले क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उत्तर भारत की जो मुख्य नदियां हैं, ये पिछले क्लास में हम लोग यहां तक क्लियर कर चुके थे। अब आज के क्लास में जो अन्य महत्वपूर्ण नदियां आपका होता है, उन सभी नदियों की हम चर्चा मुख्य रूप से करेंगे, और तब उसके बाद जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सभी प्रश्नों को आपको और बढ़ाते चले जाएं। अंतिम में प्रश्न भी हम देखेंगे। तो बीपीएससी का लेवल क्वेश्चन का अलग होगा, वो लास्ट में दोनों के स्टेप अलग अलग हो जाएंगे, और उससे क्वेश्चन राउंड का आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी मुख्य रूप से हम लोग रिवर में जो अन्य तंत्र आपके बसते हैं उस चीज की चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग एक भारत के मानचित्र के द्वारा हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं इस बात को समझने का, जो पिछले क्लास में हम लोग बेसिक किए थे। तो चलिए हम लोग देखें, ये जो मानचित्र हम लोग बनाए हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसको कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं, जबकि यहां से जब नीचे जाएंगे तो इसको खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पिछले दिन भी बेसिक हम करवा चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी रिवर है, आप सभी को मालूम है, यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी आपको हम पढ़ाए थे। अब यहाँ जो जो रिवर आ रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से एक नदी निकलती है और ये लगातार इस प्रकार से जाते हुए कच्छ की खाड़ी के पास ही अंतःस्थलीय हो जाती है, और इस नदी का नाम हम लोग देते हैं। ये देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, यह एक भारत का एकमात्र नदी है जो लवणीय है। लवणीय, ये शब्द पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। नदी में मीठा पानी होता है, लेकिन इस नदी की बात करें तो इसमें कुछ दूरी के बाद, शुरुआत में मीठे पानी ही होते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद इसके पानी में भी खारापन आ जाता है। अजमेर के निकट ये अरावली पर्वत से निकलती है, कभी कभी इसका उद्गम क्षेत्र भी पूछा जाएगा, तो अजमेर के नजदीक अरावली पर्वत श्रेणी से यह निकलती है, और लवण होने के कारण ही इस नदी को लूनी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। लवण की मात्रा होने के कारण इस नदी को लूनी नदी कहते हैं, और ये हम लोग देखे अरावली पर्वत श्रेणी से निकल करके ये जाती है और कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में, रण कहते हैं मैदान को, तो खाड़ी तक ये नहीं पहुंच पाता, एक कक्ष के रण में ही अंतःस्थलीय हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको ठीक से सुनेंगे। लूनी नदी में हम लोग इंपॉर्टेंट क्या देखे, ये अजमेर के पास से निकलती है और कुछ दूरी के बाद जब यह बलातोर के पास पहुंचती है तो इसके पानी लवणीय हो जाते हैं, और लवणीय होने के कारण ही इसका नाम लूनी नदी दिया गया। पूछेगा भारत की कौन सी नदी का जल लवणीय है, तो आंसर लूनी हो जाएगा। और यह कच्छ के मैदान, कच्छ के रण के पास जमीन में अंतःस्थलीय रिवर में बदल जाता है, जमीन में ही लुप्त हो जाता है। तो ये हम लोग देख लिए लूनी नदी की विशेषता, और लूनी रिवर भी सबका क्लियर हो गया। अब यहां से
हम लोग नेक्स्ट अगले रिवर की बात करें तो अब धीरे धीरे आपको समझना आसान है। हम लोग सिर्फ अब इतना ही बनाएंगे तो भारत का मानचित्र बन जाएगा और इसी स्टेप से हम लोग अब समझ पाएंगे। अब मुख्य रूप से हम लोग को दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वही मेन समझना है। तो दक्षिण भारत की नदियों के लिए हम लोग देखिए एक गुजरात का नक्शा बनाए। गुजरात के मानचित्र के बाद धीरे धीरे हम लोग इसमें बढ़ गए और बढ़ने के बाद ये आंध्र प्रदेश बन गया, यहां से उड़ीसा और फिर हम लोग बंगाल की ओर निकल गए। अब हम चाहेंगे सभी लोग मानचित्रों पर एकदम ध्यान अपना केंद्रित कीजिए और इस मानचित्र से हमें लगता है कि आप सभी लोग एकदम याद कर पाएंगे। यहां पर देखिए एक रिवर है, ये रिवर ऐसे ऊपर की ओर जाती है और फिर ऐसे चली आती है खंभात की खाड़ी के पास। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात है, यहीं पे आपको याद है कर्क रेखा गुजरती थी, कर्क रेखा के बारे में भी आप पढ़े थे। तो एकमात्र नदी यह है जिसका नाम है माही रिवर और माही नदी एक कर्क रेखा को दो बार काटती है। आपको ऐसे वर्ल्ड जब पढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है, एलसीएम की बात दिमाग में सेट रखें। ये वर्ल्ड के सापेक्ष एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। तीन तरह के आप जानते हो, सबसे ऊपर हमारा कर्क है, फिर विषुवत है और फिर मकर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एल सी और एम, बस काम कंप्लीट हो गया। एल का मतलब आपको ध्यान रखना है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो। सी का मतलब कांगो और एम का मतलब माही। तो हम लोग को मालूम है ये विषुवत रेखा को दो बार काटने वाला नदी तो कांगो, मकर रेखा को दो बार काटने वाला रिवर तो लिम्पोपो, और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली रिवर जो देख रहे हैं तो ये हम लोग का माही रिवर है। यहीं पर एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम भी सब लोग जानते हैं, इसको साबरमती जो है नदी के नाम से जानते हैं। और यही साबरमती में गांधी जी का आश्रम था और इसीलिए आप जानते हो साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल। इसी के नजदीक एक इंपॉर्टेंट है, गुजरात का अहमदाबाद स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछे हुए है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर माही रिवर हो जाएगा, फिर आपको सॉरी साबरमती हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताओ कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है, तो इसमें आंसर आपका माही रिवर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग डिटेल पार्ट को देखें। देखिए यहां से एक रिवर निकलती है, आप सभी को याद होगा मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक थी और अमरकंटक से ऊपर की ओर एक रिवर जाता था जो गंगा की सहायक नदी थी और इस नदी को सोन रिवर कहते थे। और इसी अमरकंटक से एक रिवर इधर की ओर निकलती है और ये लगातार इस प्रकार से चलते हुए जाती है। इसी नदी का नाम आप सब लोग जानेंगे, सब लोग को मालूम भी होगा, इस रिवर को हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी भी पूछेगा नर्मदा तो आपको दिमाग में सेट करना है कि समझ गए नर्मदा रिवर कहां से निकलती है। तो आप सबको याद हो गया कि नर्मदा नदी हमारा अमरकंटक से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा कहां से निकलती, तो अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक के निकलने के बाद ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये भारत की सबसे लंबी नदी। देखो कई बच्चे लंबी नदी में कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान रखना है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा। और इस साइड में हमारा अरब सागर है और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है, लगभग 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कभी कभी लेंथ भी आपसे पूछता है, 1300 किलोमीटर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। और इस नदी की कई सहायक नदी है, नीचे से एक सहायक नदी है जिस नदी को कहते हैं तवा रिवर,
तवा, आपको फिर परियोजना पढ़ाएंगे तो इंपॉर्टेंट है तवा परियोजना। पूछा जाएगा तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की। इसकी सहायक जो नीचे से है ये समझो तवा है, ऊपर से जो इसकी सहायक नदी मतलब दाईं ओर से जो सहायक नदी, ये नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानवरों के नाम से। हिरन नदी, हाथी नदी, ऊंटी नदी, ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। तो जो बीपीएससी यूपीएससी रेंज के बच्चे हो उन लोग को क्वेश्चन पूछता है कि हिरन किसकी सहायक नदी, हाथी किसकी सहायक नदी, ऊंटी किसकी सहायक नदी है, ये सब नर्मदा की सहायक नदी। तो नर्मदा में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देख लिए। यहाँ पे आप सभी को याद भी होगा दो पर्वत थे, विंध्य के बाद हम लोग सतपुड़ा देखे थे, इसके पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से यह गुजरता है, और भ्रंश घाटी से गुजरने के कारण वहां कठोर चट्टान होते हैं, तीव्र ढलान होते हैं, और इसके कारण यह नदी बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, चट्टान कट नहीं पाते हैं। और इसके कारण ये नदी, आपको याद है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको यह डेल्टा का निर्माण नहीं करके इसके द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात है। एस्चुरी का मतलब आपको हमने बताया था कि इसके द्वारा कोई कटान नहीं होते, जो मलवा गिराते हैं समुद्र का ज्वार भाटा सीधे उसको लेकर चला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, और ये सब हम लोग देख लिए। इसका उद्गम स्थल भी हम लोग देख लिए, अमरकंटक में है। नर्मदा किन किन जो है राज्यों से प्रवाहित होती है, नर्मदा किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, कभी कभी बहुत देर के अंदर से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि नर्मदा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है, ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये है। पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा ऐसा जगह है जहां से एक नदी ऊपर की ओर चलती है उत्तर की ओर और एक नदी पश्चिम की ओर चलती है, तो अमरकंटक है जहां से एक नदी उत्तर चलती है और एक नदी पश्चिम चलती है। दूसरा, इसी प्रकार से हम देखें मध्य प्रदेश में ही एक जगह है जिला बैतूल, और बैतूल से एक रिवर इसी के समानांतर चलती है और इस नदी को कहते हैं ताप्ती रिवर। दोनों महत्वपूर्ण है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं और दोनों ही नदी डेल्टा के बदले एस्चुरी बनाते हैं, दोनों ही नदी अरब सागर में गिरते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताप्ती का उद्गम आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, तो ताप्ती का उद्गम ध्यान रखोगे मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल जिला, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ताप्ती नदी निकलती है। उसी में शहर का नाम कभी कभी पूछा है तो मुलताई नगर का नाम है, मुलताई भी आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। कई बार ये भी पूछ दिया है, ताप्ती ज्यादा पूछता है क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों समानांतर बहते हैं, लेकिन ताप्ती मध्य प्रदेश के मुलताई बैतूल जिला से निकलता है और ये भी समानांतर चलते हुए ये जाती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है, लगभग 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती का। और यहीं पर अगर पहाड़ी पूछेगा तो आप सभी को याद होगा सतपुड़ा रेंज से ये निकलते हैं। दोनों में अंतर है, नर्मदा की बात करेंगे तो ये मैकाल से निकलता है और अगर हम ताप्ती की बात करेंगे तो सतपुड़ा से निकलता है। तो कभी कभी पर्वतों के साथ क्वेश्चन रहता है, जिला के साथ क्वेश्चन रहता है, नगर के साथ क्वेश्चन होता है, और छोटे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। हम समझते हैं नर्मदा और ताप्ती सभी लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट रहे। अब इसके बाद हम लोग देखें दक्षिण भारत में, ये तो हम लोग देखें कि ये ठीक रिवर्स सिस्टम आप पढ़े, जनरली सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर वे ऑफ बंगाल है, लेकिन इसके विपरीत इधर की नदियां अरब सागर में गिर गई। अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी इधर की ओर बहती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे यहां पे एक रिवर है
जो यहां से जा करके यहां पे जाके मिलती है, और ये चीज, ये रिवर आपके दिमाग में सेट जाए। बहुत एक छोटी सी नदी है और इस नदी का नाम सभी लड़के जानते हैं। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी आप यहां पर पढ़े थे, यही महाराष्ट्र से एक रिवर निकलती है और यहां पे आंध्र प्रदेश के पास जाती। फिर एक और रिवर है जो यहां से निकलती है, ये भी यहीं पे जाती। और एक और रिवर देखेंगे यहां से निकल करके, ये भी इधर की ओर जाती। यानी पश्चिमी घाट से निकलने वाली तीन नदियां जो आप मुख्य रूप से नीचे का देख रहे हैं, एक नदी जो आप ऊपर का देख रहे हैं, इसी नदी में आप सभी को दिमाग में सेट कर लेना है, इसी का नाम है महानदी। महानदी के बाद तब चलेंगे तो ये दूसरे रिवर है गोदावरी, तीसरा नंबर रिवर देख रहे हैं कृष्णा, और चौथा नंबर रिवर देख रहे हैं कावेरी। आपको बेसिक क्लास में भी समझाया था कि एकदम बिल्कुल रट जाना, बहुत महान है, और महान है तो क्या करेंगे, गोदी टांगेंगे, गोदी टांगेंगे, गोदी में कृष्ण भगवान निकलेंगे, कावेरी लेके चले जाए। अब इसके बाद हम लोग को मुख्य रूप से दो चार चीजों पर और ध्यान देनी है, बस उसके बाद बेस आपका क्लियर हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदी, तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, इसकी गोदावरी की सहायक एक ऊपर से है, इसको कहते हैं इंद्रावती। ये सभी का कभी कभी अच्छे एग्जाम में आपको इसकी सहायक पूछा जाएगा। इसी के बाद हम लोग देखें दो तरह की और रिवर इसकी सहायक है। ये दोनों रिवर के बाद नीचे से भी एक सहायक नदी आती है जो ऐसे चली जाती है, और इसी का नाम है वेन गंगा। ये है वेन गंगा, ये है पेन गंगा, और नीचे से जो है इसका नाम है मंजीरा। मंजीरा कभी कभी अपोजिट क्वेश्चन पूछता है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी का। वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देगा गोदावरी की दाएं सहायक नदी कौन है, तो आपके गोदावरी के प्रवाह के दिशा में अपना सिर करके दोनों हाथ फैलाएंगे, तो मंजीरा आपके दाएं हाथ की ओर होगा, वेन गंगा, पेन गंगा और इंद्रावती आपके बाएं हाथ की ओर होगा। इसी प्रकार कृष्णा का जब चलेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है कृष्णा का, जिस नदी को हम लोग कहते हैं जो ऊपर से आ रहा है, इसका नाम है भीमा। भीमा, और नीचे से इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी फिर वही है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से तुंग और भद्रा दो नाम से निकलती है, और तुंगभद्रा आपको ध्यान रखना है कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी। कभी कभी तुंगभद्रा परियोजना, आगे हम लोग कई परियोजना भी पढ़ेंगे, तो उसमें जिन लड़कों को नदियों का जाल जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा परियोजना होते चला जाएगा। तो तुंग और भद्रा दो नाम से तुंगभद्रा रिवर निकलती है, और तुंगभद्रा भी मुख्य रूप से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कृष्णा की सहायक नदी है, और कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, कृष्णा के दाएं ओर की सहायक नदी। और कावेरी में भी दो रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है, एक रिवर का नाम है हेमवती रिवर और दूसरा रिवर का नाम है अमरावती रिवर। अमरावती ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार का क्वेश्चन दे दिया है कृष्णा की कौन सहायक नहीं है, अब उसमें दे दिया भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, तो जो लड़के समझ रहे हो कि अमरावती बोलेंगे तो कावेरी की सहायक है, हेमवती बोलेंगे कावेरी की सहायक है, माने नाम है कावेरी तो इसमें वती वती लगा रहेगा, वेरी तो वती, वती पति, ध्यान में सेट रखना कि पति हमेशा नीचे पत्नी ऊपर, मतलब आपको पति का नाम बाद में पत्नी का नाम पहले, इसीलिए नीचे जो है पति वती दिमाग में आपको सेट रखना है कि ये बाद में नीचे हेमवती अमरावती एक कावेरी रिवर का सहायक नदी हो। इसके बाद भी कई रिवर की चर्चा होगी जब हम पढ़ाएंगे, तो इधर केरल में स्पेशली एक रिवर होगा जो इधर अरब सागर में ही गिरेगा, इसका नाम होगा पेरियार। पेरियार इडुक्की बांध परियोजना जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपका क्लियर होगा। इस साइड में तमिलनाडु की एक नदी होगी,
इसका नाम होगा विगई। कभी कभी देता है भारत की सबसे दक्षिण में नदी है, अब उसमें देगा महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, विगई। तो विगई सबसे दक्षिण में नदी है और विगई के किनारे ही एक शहर है जिसका नाम है मदुरई। विगई के किनारे एक शहर है जिसका नाम है मदुरई, ये दिमाग में आपको सेट रखना है। बाकी यहीं पर जब गोवा पढ़ोगे तो गोवा में भी एक इंपॉर्टेंट नदी आती है और गोवा की नदी आप सभी को याद होगा, इस नदी को जुआरी नदी कहते हैं और इसी की एक सहायक नदी है जिसको मांडवी नदी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा कि मांडवी और जुआरी, तो आप ध्यान रखोगे कि समझ गए गोवा, और ये भी अरब सागर में ही गिरती है। तो ये दक्षिण के अब दो तीन क्वेश्चन कर लें तो इधर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड से आप देखोगे एक नदी आती है, ये भी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं और यही स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है, खरकई उसकी सहायक प्रमुख नदी। तो हम लोग का ये जो नीचे का क्रम देखे इसमें दो तीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो प्रायद्वीपीय भारत जब भी कहेंगे तो सबसे निचला भारत होगा और इसकी सबसे लंबी नदी आपको ध्यान रखना है गोदावरी है। गोदी सबसे बड़ा, गोदी सबसे लंबी नदी, ये आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। चूंकि आपको पहले भी हमने बताया था कि चार जगहों पर ही कुंभ का मेला लगता है और जिन जगहों पर कुंभ का मेला लगता है वो पवित्र जगह है, जिसमें तीन जगह गंगा या उसकी सहायक नदियों से संबंधित है। सिर्फ एक जगह हमारा ऐसा है चार में जो गोदावरी के किनारे स्थित है और वो जगह का नाम भी सभी लोग आप जानते हो, आप जानते ही हो गोदावरी नदी का कौन सा जगह है जहां पे कुंभ का मेला लगता है, वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक सब लोग जानते हो। तो देखिए नासिक के पास ही से निकलता भी, और इसमें हम लोग इसीलिए गोदावरी को वही तरह का पवित्रता प्राप्त है जो उत्तर भारत में गंगा को प्राप्त है। उज्जैन में भी हम लोग देखेंगे तो वो भी गंगा की सहायक के किनारे ही छिप्रा है, छिप्रा भी गंगा की सहायक नदी जो हम लोग देखेंगे, यमुना वहीं के सहायक में जब आएंगे तो वहां छिप्रा नदी की बात चलेगी। तो इसमें हम लोग देखें गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं पवित्रता के कारण। अगर जल की उपयोगिता के कारण गंगा की बात होगी तो कावेरी को कहेंगे, क्योंकि कावेरी नदी मुख्य रूप से दो राज, एक हम लोग देखें इस साइड में तमिलनाडु है और इस साइड में कर्नाटक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु से कावेरी गुजरती है और कर्नाटक में यहां पर काफी नदियों पर बांध बांधने से तमिलनाडु में जल का दिक्कत हो गया और इसीलिए कावेरी जल विवाद इन दोनों राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। और इसके जल का उपयोग उसी प्रकार हुआ है जैसे उत्तर भारत में गंगा का उपयोग हुआ है, इसीलिए यहां तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का नाम होता है वृद्ध गंगा किसे कहते, एक है दक्षिण की गंगा किसे कहते और एक है जल की उपयोगिता के कारण दक्षिण का गंगा कहलाता है। तो जल की उपयोगिता के कारण दक्षिण का गंगा कावेरी कहलाता है। सीधा सीधा दे दे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी होगा, वृद्ध गंगा तो गोदावरी होगा, बूढ़ी गंगा का भी नाम लेगा तो गोदावरी ही होगा। अब इतना बेसिक सिस्टम जो थे दक्षिण का हमने आपको कंप्लीट कर लिया। अब यहां से लेवल अलग अलग होंगे। रेलवे और बिहार एसएससी मेंस वाले बच्चे का कल हम लोग पूरे क्वेश्चन राउंड उनका चलेगा और कल नदी उनका समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे हमारे बीपीएससी में हो, दरोगा में हो, उन लोग को एक दिन और इस पर थोड़ा डिटेल करेंगे, पूरे नदियों पर एक दिन और डिटेल क्लास जब सुन लोगे तब आपका भी क्वेश्चन चलेंगे, उसमें लेवल काफी अच्छा होगा। चूंकि इन सभी की भी सहायक नदियां मुख्य रूप से बीपीएससी वगैरह में एकदम नए प्रकार का रिवर पूछने की संभावना होगी, उसके लेवल कुछ और ऊपर होते हैं, जो रेलवे वाले बच्चों की जरूरत नहीं,
तो इसीलिए अब यहां से दोनों बैच फर्क का जो है अलग अलग हो जाएंगे और दोनों के क्लास का लेवल अलग अलग होगा। आज का क्लास आपका यहीं तक। आज बहुत विषम स्थितियों में बहुत कोशिश की, क्लास लगभग लग रहा था कि नहीं चल पाएगा, लेकिन हमने प्रयास किया कि बहुत इमरजेंसी स्टेप होगा तो इस तरह का वीडियो ही बना करके, लेकिन सही सिलेबस धीरे 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 हम लोग का बढ़े, छोटा ही क्लास हो, समझते चलेंगे, इतनी बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रश्नों की जो बात हम कर रहे थे, देखिए आपके लिए क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे बना देंगे। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती है, फिर इसी प्रकार से डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है, इसी प्रकार से कौन उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, फिर इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो आज तक जितना भी एसएस बिहार एसएससी में रेलवे में जितने प्रश्न चला गया है, हम सभी क्वेश्चन को चलेंगे। एक बार सभी क्वेश्चन चल देंगे तो रेलवे वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और एक दिन और क्लास लेने के बाद तब यही क्रिया हम अपने जो है दरोगा मेंस के बच्चे और बीपीएससी के बच्चों के लिए चलेंगे। तो चलिए बहुत धन्यवाद, आज का क्लास आपका यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग दोनों बैच अब अलग अलग होते हुए अलग अलग